हूँ आप सब साथियों में निवेदन करनी चाहूंगा, विशेषकर चुनाव आयोग सवाल पूछना चाहूंगा। अब आप भाईपुर विधायक थुमली गया, थुमली गांव से विधानसभा में गया और वो इसका जाल एक बहुत बड़ो बाउंड्री में पैदा करने का प्रयास कर, खैर वो विफल हो गया। वहां जो प्लान करी हो तो वो चीजा मिला और सक्सेस को नहीं हो पाया, क्योंकि महाराज थुमली रा आखली रा जो लोग हैं बहुत मजबूत थे। वहां एक जानबूझ रहे इश्यू क्रिएट करना चाहे ताकि शिविर मीना माहौल खराब हो। हम पूछना चाहू चुनाव आयोग में कि वो किड़ हैसी तरह नाते से विधानसभा में मीना के ना वो प्रत्याशी है ना चीफ एजेंट है। थोड़ी देर पहले हमारे भाई माँ ने कई सारा आप एप्लीकेशन लगाया जिकर मेरा वो राजनीति में है भी खुल, फिर भी कि जैसलमेर सीमा मीना बाहर जाओ। अरसा हम पूछना चाहूं कि ए क्यों यहां एक सीधो सो मकसद है, जो भाईपुर विधायक है वहां एक सीधो सो मकसद है कि करी करे मैं ध्यान डाइवर्ट करा प्रशासन को ध्यान डाइवर्ट करा और लारे मैं मार कोलिंग माता फर्जी कोलिंग। मारो निवेदन चुनाव आयोग मिला जिला प्रशासन मिला कि ध्यान डाइवर्ट करने का एक प्रयास है और साथ ही साथ ये चीज में आप जवाब जरूर दिया कि बिना चीफ एजेंट बिना उम्मीदवार या अलग अलग विधानसभा में बिना किन क्षेत्र नाते जा रहे हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजकुमार जी जवाब। मुझे लगता है आदरणीय आप बीजेपी के एगो नहीं 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 मैं हिंदू हूँ और सनातनी हूँ और यदि इस देश के सनातन में कहीं से भी प्रहार होगा तो मेरे को प्रश्न उठाने का पूरा अधिकार है। टीका मैं लगाता हूँ, कलाबा मैं पहनता हूँ, अपने भगवान की पूजा करता हूँ। यदि हिंदुओं के संग कोई धोखा कांग्रेस कर रही है, मैं ओबीसी हूँ, आप मेरे आरक्षण पे जो कब्जा कर रहे हैं उसको उत्तर दीजिए। मेरे भी लगा हुआ है रोली बोली, मेरे भी बताया। तो जाकर भैया मंदिरों पर टैक्स क्यों लगवाया आपने, ये बताइए मंदिरों पर टैक्स क्यों लगवाया, गलती क्या हो गई हम लोगों से बताओ। मस्जिदों पर तो नहीं लगाया, चर्चों पर तो नहीं लगाया, और क्यों लगाया? पार्टी तो ये चाहती है। अरे बताओ तो सही भैया, मेरे अखंडता के लिए ना जो डर का वातावरण हो गया है इसको खत्म करने के लिए आइए अधिक से अधिक मतदान करिए। राजस्थान देख रहा है अभी आपको, पूरा राजस्थान देख रहा है, मेरे प्रश्नों पे आवाज नहीं निकली, तालू जाम हो गया आपका, ठीक है दही जम गया। ठीक है योगेश शर्मा जी, योगेश रहे हैं क्या मतदाता अपने घरों से निकल रहा है तो इन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहा है। जी राजस्थान में अब राम मंदिर, सनातन धर्म और जो भी मोदी सरकार के काम है उनको लेकर अब मतदाता एक्टिव हो गया है, सक्रिय होकर वो मतदान कर रहा है। ये मतदान का जो बढ़ता प्रतिशत है वो यही बात कर रहा है कि जो पहले चरण में जो चूक हो गई थी या जो मतदाता उदासीन हो गया था, कारण चाहे कोई भी रहे हो, पर अब लग रहा है कि मोदी सरकार के पक्ष में जो है वो मतदाता मुखर होकर मतदान कर रहा है। तो कितने प्रतिशत वोट कास्ट हुए अब तक, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। महासंग्राम 2024 से जुड़ी, जहां पर राजस्थान में अब तक 40% से ज्यादा लोग जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। तो देखिए चित्तौड़गढ़ में 40% से ज्यादा का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, अजमेर में 35.77% वोटिंग हुई है और जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे क्या पहले चरण के मुकाबले इस बार वोटिंग में इजाफा होगा, प्रतिशत सुधरेगा, मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, इन सवालों का जवाब इन आंकड़ों में छिपा है। चित्तौड़गढ़ में 40.50%, कोटा में 42.51% अब तक वोटिंग हो चुकी है। शाम 6 बजे तक का वक्त है, निश्चित तौर पर ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे, वोट परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं जहां पर अजमेर में 35.77% लोगों ने वोट कास्ट किया है, भीलवाड़ा में 37.01% वोटिंग हुई है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहां पर 40.050% यहां पर लोगों ने वोट कास्ट किया है। तो ये लगातार अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर चलती रहेगी, लेकिन एक टिप्पणी भी हम
ले लेते हैं एक एक करके। राजकुमार जी, ये जो हम बात कर रहे थे प्रतिशत अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी तरह से ये आंकड़े रहे तो शाम तक अच्छी खबर है। राजकुमार बिल्कुल हेमंत जी, लोकतंत्र के लिए अच्छी